सहरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने कार्यकर्ताओं के साथ में फूलों की होली खेली है और देश और प्रदेश को होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि सिरसा में पहले भी कमल का फूल खिला था और अब भी प्रयास रहेगा कि सिरसा में फिर से लोकसभा चुनाव में कमल खिले। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने अपने सिरसा निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेली। सांसद सुनीता दुग्गल ने आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और चुनाव के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई। सुनीता दुग्गल ने देश और प्रदेश को होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि सिरसा में पहले भी कमल का फूल खिला था और अब भी प्रयास रहेगा कि सिरसा में फिर से लोकसभा चुनाव में कमल खिले। सभी कार्यकर्ता एक सिपाही के रूप में काम करेंगे और मैं भी चुनाव में जो ड्यूटी लगाई जाएगी उसे बखूबी निभाऊंगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी 24/7 जो है वो इलेक्शन के मोड में रहती है और हम लोगों ने तो पहले से ही जो है अपने सभी जो है हमारे मंडल हैं उनकी बैठक ले ली थी, पन्ना प्रमुख जो है उनकी बैठक ले ली थी, तो सबकी बैठक जो है वो पहले से ही ले ली थी। सिर्फ यही निर्णय होना बाकी था कि कैंडिडेट कौन आता है, तो जो निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व ने लिया और जो है उसको सभी स्तर माथे लगाते हुए सब जो है खूब बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा ले रहे हैं और खूब भागीदारी कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि अब की बार फिर से जो है यहाँ पर कमल का फूल खिलेगा। देखिए ऐसा है कि क्योंकि हम एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारे यहाँ पर कार्डर बेस जो है वो पार्टी है, इसमें संगठन जो भी जिम्मेवारी लगाते हैं उसको हम शिद्दत के साथ निभाते हैं, तो जो भी जिम्मेवारी संगठन हमारी लगाएगा उसको हम पूरी मेहनत के साथ करेंगे। बहरहाल सुनीता दुग्गल ने कहा कि मैं बीजेपी की एक कर्मठ सिपाही हूं, मुझे पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाने का काम करूंगी। सतनाम सिंह, सिरसा, टोटल न्यूज़।